एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर, योर अकाउंटेंसी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 अब देखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम देख चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख चुके हैं पिछली क्लास में, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखने जा रहे हैं। बुक कौन सी होगी? बुक है आर्या पब्लिकेशन, और राइटर कौन है? डॉक्टर डी के गोयल। तो याद रखिएगा, इसका हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको ग्रुप में मिलेगा, एज इट इज होगा, तो आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। याद रखिएगा, आपको फेयर नोट्स जरूर बनाते रहना है। आप फेयर नोट्स बनाते रहेंगे तो बाद में वो चेक भी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कुछ सेकंड के लिए रहेगा, कुछ लम्हों के लिए रहेगा, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं इसको बताना शुरू करता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो चलिए आइए, आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। दो पार्ट है क्वेश्चन के, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिया है ए और बी करके। क्या गिवन है मैं बताता हूँ बच्चों। लिखा हुआ है कैपिटल जो है, शुरुआत में इसमें कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल का मतलब ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, यानी 1 अप्रैल को जो कैपिटल है वो है 7,50,000, यानी 7,50,000। फिर कहा गया लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया गया है 2,00,000 का, है ना, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और मतलब 31 मार्च। फिर 31 मार्च 2012 को क्या हुआ, जो एसेट्स है इनका वो है 15,00,000, कितना, 15,00,000 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा गया है कि आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बताइए क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा और बताइए प्रॉफिट क्या होगा। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल के लिए बच्चों पिछली जो क्लास आई थी उस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, मैंने बताया था ना एग्जैक्टली, और प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो भी बताया था। तो इस क्वेश्चन में दोनों गिवन है, पहले पूछा है कि क्लोजिंग कैपिटल आप बताइए, दूसरा पूछा प्रॉफिट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज है, तो इस पर क्लास बनने की, लेक्चर बताने की क्या जरूरत थी आपको, इस पे क्लास लेने की क्या जरूरत थी। मैं बता रहा हूं आपको जरूरत थी। जरूरत कैसे थी मैं ये चीज आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये तो कॉमन चीज है जो आपने पिछली क्लास में देखा है, एज इट इज ये भी है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमको सबसे पहले इसमें प्रॉफिट निकालना है, या हमें निकालना है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, क्लोजिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अच्छा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ओपनिंग कैपिटल है और कौन सा क्लोजिंग कैपिटल है, तो हम आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। तो हमें पता है ना, हमारा 31 मार्च को जो एसेट्स था वो था 15,00,000 बच्चों, कितना था, 15,00,000 था। तो हम क्या करेंगे, 15,00,000 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 15,00,000 यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, 15,00,000 से माइनस कर देंगे क्लोजिंग लाइबिलिटीज। पीएनबी से जो आपने, यानी पंजाब नेशनल बैंक से जो आपने लोन लिया है वो आपके ऊपर बच्चों लाइबिलिटी है। तो ये हो गई आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो इस लाइबिलिटी को, क्लोजिंग लाइबिलिटी को, ये जो 2,00,000 है पंजाब नेशनल बैंक से आपने लोन ले रखा है, इसको हम यहां से घटा लेंगे, ठीक है ना, 2,00,000 को हम घटा लेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, इजी है आप देखिए, बिल्कुल इजी वे में समझिए, अमाउंट आपका हो जाएगा 13,00,000। कितना, देखो बच्चों ये हो जाएगा 13,00,000, यानी 13,00,000। अब क्या हो गया, हमें ये निकल करके आ गया, हमको एग्जैक्टली पता चल गया कि क्लोजिंग कैपिटल क्या है। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, आपको बहुत इजी वे में पता है, प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग कैपिटल हमारे सामने आ चुका है, क्लोजिंग कैपिटल निकल करके आया है 13,00,000, ठीक है ना। हमने यहां पर लिख दिया 13,00,000 हमारा है क्लोजिंग कैपिटल। अब हम इससे माइनस कर लेंगे बच्चों, क्या माइनस कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल क्या था, कितने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है कि 7,50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यानी 7,50,000 रुपए जो है आपके, वही आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा 13,00,000 और ओपनिंग कैपिटल कितना है, 7,50,000 है। अब 7,50,000 आपको इसमें से माइनस करना है तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 10,00,000 से 2,50,000 इधर बच जाएगा और 3,00,000 ये, यानी प्रॉफिट आपका निकल करके आ गया 5,50,000, यानी 5,50,000 बच्चों आपका हो गया ये प्रॉफिट आ गया, कितना, रुपीज 5,50,000।
ये था जैसे आपने कल की क्लास देखी थी, यानी कि लेक्चर नंबर 6 जो आपने देखा था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो पूछा गया है, वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। उसमें कैसे प्रॉफिट निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। बी वाले में, बी में देखेंगे, इन्होंने कहा है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,25,000, जबकि विथड्रॉ किया है इन्होंने 40,000, किस चीज के लिए? फॉर पर्सनल यूज। अब इन्होंने कहा है प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट के लिए तो आपको फॉर्मूला अंडरस्टूड है बच्चों। प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं? हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, अभी लिखा है मैंने यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इसमें दो चीजें और इन्होंने दे दी है, और यही आज की क्लास में आप नई चीज सीखेंगे। क्या दिया है? ड्रॉइंग है, देखिए विथड्रॉ किया है 40,000 पर्सनल यूज के लिए, और एडिशनल कैपिटल है 1,25,000 का। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नया बनाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल को हम एज इट इज लिख देंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लिखेंगे यहां पर, ये नया फॉर्मूला है बच्चों, आपको नोट करते रहना है। आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसमें आप प्लस कर लेंगे क्या चीज? ड्राइंग, जो विथड्रॉ किया है इसको हम कहेंगे ड्राइंग। इसको आप ड्राइंग को प्लस कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे क्या? एडिशनल कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल तो माइनस करते ही हैं। अब यहां पर ओपनिंग कैपिटल भी आप माइनस कर लेंगे। अब देखते हैं क्या गिवन है क्लोजिंग कैपिटल की। अगर बच्चों हम बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारा, हमने निकाला था पहले ही 13 लाख है। इसी बेस पर ये क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन यही ली जाएगी, सिर्फ दो चीजें नई बढ़ा करके कर दिया है, क्वेश्चन को यही माना गया है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग कैपिटल जो था, दैट वॉज 13 लाख। हमने यहां पर इस तरह से लिख लिया क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख, इसमें हमने ड्रॉइंग प्लस कर दी। ड्रॉइंग कितनी थी, कितना पैसा निकाला था इन्होंने पर्सनल यूज के लिए? दैट वॉज 40,000, हमने 40,000 प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। एडिशनल कैपिटल कितना लेकर के आए थे? 1,25,000, इसको हमने माइनस कर दिया, और साथ ही साथ हमने माइनस कर दिया ओपनिंग कैपिटल, हमने पहले ही निकाला हुआ है, दैट इज 7,50,000। कितना है ये? 7,50,000। अब बच्चों करना क्या है, ये जो हो गया हमारा, दोनों प्लस वाला हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13,40,000। तो 13,40,000 जो हो जाएगा, हम यहां पर लिख करके आपको इस तरह से दिखा देते हैं, ये हो गया 13,40,000। माइनस कितना करना है इसमें से, आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे 8 लाख हो जाएगा, 25,000 में 50,000 जोड़ेंगे तो 75, यानी 75,000, यानी 8,75,000 ये हो गया 8,75,000। अब इसमें से 13,40,000 में से आपको माइनस करना है 8,75,000। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसको आप इजीली करके देख भी सकते हैं, 13 लाख ये आपका है अमाउंट, 13,40,000 बच्चों इस तरह से लिखेंगे, 13,40,000 इसमें से माइनस करेंगे 8,75,000। अब कितना अमाउंट आएगा, वही प्रॉफिट होगा, देखते हैं। 0, 0, 0, 10 से 5 जाएगा ये तो 5 आ जाएगा, 13 से 7 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, 12 से 8 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, ये 4,65,000। तो ये जो 4,65,000 है ना, यही तो प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट आ गया है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर वाकई बहुत अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, साथ ही साथ आप कमेंट लिखना, अपना नाम लिखना, फीडबैक लिखना कैसा लगा क्लास, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।